हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में उन सवालों पर बात करेंगे जो कमेंट ऑप्शन में आप पूछते हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है, तो आइए देखते हैं वो कौन से सवाल हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है कि अगर आगे का दांत आधा टूटा है तो क्या मैं पास हो जाऊँगा। इस स्थिति में आप आराम से पास हो सकते हैं अगर आप उस दांत को प्रॉपर प्रोसीजर कराकर उस पर कैप लगवा लेते हैं। ये काम एक अच्छा डेंटल सर्जन कर सकता है, तो इसलिए आपको अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप डेंटल सर्जन से मिलकर प्रॉपर प्रोसीजर के बाद उस पर एक कैप लगवाइए। प्रॉपर प्रोसीजर का मतलब होता है कि जो रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट की है उसमें RCT या फिलिंग या जो भी, तो उसको कराकर आप उस पर कैप लगवाइए। देन आप बिल्कुल इसमें इस दांत को परफेक्ट कैटेगरी में रख सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि मेरे दांतों में गैप है तो क्या मैं अनफिट हो जाऊंगा। नॉर्मली जो गैप होता है किसी के दांतों में, तो जिसमें कि आपका अगर हम कोई पतली सी चीज़ अगर डालें तो चली जाती है, तो वो एक्सेप्टेबल होता है, तो इसलिए इतना चिंता का विषय नहीं है। तो अगर नॉर्मल गैप है, चाहे वो अंदर के दांतों में हो या सामने के दांतों में हो, तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि क्या आई विज़न को इम्प्रूव किया जा सकता है। आई विज़न को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर ये शुरुआती स्टेज पर है, जिसमें कि अगर हम कहते हैं कि 0.25 है या फिर 0.50 है, तो ऐसी स्थिति यानी जिसमें माइनस की बात हम कर रहे हैं, जिसमें दूर के अक्का आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो उसमें आधा नंबर तक का जो रेंज है, तो उसमें अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो नंबर रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, जो -1 के आसपास होते हैं, तो वो मुश्किल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आई के बॉल में चेंज आ चुका होता है, फिर उसको एक्सरसाइज से बॉल के शेप को चेंज करना मुश्किल होता है, तो उसमें चश्मा ही लगाना है। लेकिन शुरुआत अगर हो रही है तो उसमें आप आई के बॉल को एक्सरसाइज से नॉर्मल कर सकते हैं। ये कंडीशन और पर्सन टू पर्सन भी वरी करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे 27 दांत हैं, तो क्या मैं अनफिट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आपके 27 दांत हैं या उससे कम भी हैं, या कोई दांत ख़राब है या फिर किसी में कीड़ा लग गया है, तो अगर आप उसे प्रॉपर प्रोसीजर कराते हैं, उसमें फिलिंग या RCT, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में फिर आ जाता है, एक हेल्दी टूथ की कैटेगरी में आ जाता है। और जहाँ पर हम मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो वो आपको आसानी से मिल सकते हैं, तो इसलिए वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि HIV की जांच कितने दिनों के बाद कराना चाहिए और कहां कराना चाहिए। आई थिंक ये उस कंसर्न में है कि अगर किसी भी व्यक्ति का एक संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, तो उस व्यक्ति को ये जांच कब करानी चाहिए। इसमें जो नियम है या फिर जो इसकी गाइडलाइन है, वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, तो उसमें 3 महीने के बाद उसकी जाँच करानी है, जिसको कि हम विंडो पीरियड कहते हैं। ये मेडिकल टर्म में है विंडो पीरियड, यानी एक ऐसा समय कि जिसमें कि वायरस डिटेक्ट हो सकता है ब्लड टेस्ट में, और उसके फिर 3 महीने के बाद आपको एक टेस्ट कराना है, और फिर 3 महीने के बाद, यानी ऑलमोस्ट अगर हम उसे कैलकुलेट करें, तो ये भी आप कह सकते हैं कि 1 साल में हमें 3 टेस्ट कराने हैं, और तभी ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स 3 टेस्ट के बाद ही क्लियर आ पाएंगे। किसी में फर्स्ट टेस्ट में भी आ सकता है, किसी में सेकेंड टेस्ट में, और किसी में थर्ड टेस्ट में। तो ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, वायरस की वायरल लोड कितना है, तो उस हिसाब से ये डिटेक्ट होगा। लेकिन आप हर जो एक विंडो पीरियड है, जिसे हम 3 महीने कहते हैं, उसमें अगर आपने टेस्ट कराया, तो ये श्योर ना माने कि आप नेगेटिव हैं। आप नेक्स्ट टेस्ट ज़रूर कराएं, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो भी ज़रूर कराएं। तो यानी 3 टेस्ट ज़रूर कराइए, उसके बाद आप अपने आप को ये मान सकते हैं कि दैट यू आर अ फाइन। ये जांच कहाँ होगी, कहाँ कराएं इस जांच को। ये जांच पूरे भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, साथ ही साथ जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, जिन्हें हम ब्लॉक स्तर पर जो सरकारी अस्पताल कहते हैं, वहाँ पर भी इसकी जांच फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये रिक्वायर्ड रहती है, कराना है, या आपके मन में कुछ शक है, तो आप कहीं पर भी जाकर इसको जाँच को करा सकते हैं, चाहे जिला स्तर पर या फिर आप कम्युनिटी सेंटर्स पर। इसकी जाँच अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कराएंगे, तो अच्छे खासे आपके पैसे खर्च
होंगे वहाँ पर। और अगर कोई सिजेरियन के लिए ज़रूरत पड़ती है या फिर या किसी और ट्रीटमेंट में या फिर सर्जरी के दौरान या किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर HIV जांच की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी की भी जांच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर करा सकते हैं। ये जो HIV की जांच होती है उसके लिए सेंटर्स बने हैं सभी जगह पर, जिनका नाम है ICTC, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। इन सेंटर्स तक पहुंचने के लिए आपको सिंपली अस्पताल में जाना है, पर्चा बनवाना है और वहां पर काउंटर पे ही पता करना है कि ICTC कहां पर है, तो आपको वहां से आराम से उसका एड्रेस पता चल जाएगा और आप वहां पर जाकर इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जांच करा सकते हैं। वहां की एक अच्छी स्पेशलिटी ये है कि वहां पर आपका नाम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब गोपनीय रखा जाता है और गोपनीयता के माहौल में ही आपकी काउंसलिंग भी होती है और जो आप वहां पर जानना चाहते हैं वो भी आराम से जान सकते हैं। तो सभी कुछ गोपनीयता के साथ वहां पर आपका पूरा जो प्रोसीजर होता है वो रहता है, तो इसलिए आप फ्री माइंड होकर वहाँ पर जा सकते हैं और अपनी ये जांच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्टूरा विज़न एम्स में है या नहीं। कॉन्टूरा विज़न एक ऐसी टेक्निक है जो कि रिफ्रैक्टेड एरर को ठीक करती है, यानी जो जिनकी आंखों में माइनस नंबर है तो वो लोग इस बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं जिनको दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता। तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन है कि ये कॉन्टूरा विज़न जो कि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत महंगा है, लगभग 1 लाख के आसपास इसका प्रोसीजर का जो प्राइस है, तो क्या ये प्रोसीजर एम्स में होता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मैंने रिसेंट अभी एम्स में विज़िट किया था और वहाँ पर इस तरीके का जो आपका कार्ड बनता है उस पर भी मेंशन है, जो आपका आई डिपार्टमेंट है वहाँ पर, कि वहाँ पर कॉन्टूरा विज़न है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर सारे जितने भी टेस्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं लेज़र से उनके सारे प्रोसीजर्स के इस पर नाम है। आप वन बाय वन इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर लेसिक, फिर स्माइल, फिर एपिलेसिक, लेसिक एक्स्ट्रा और साथ ही साथ दूसरे जो ICL, IPCL और कॉन्टूरा। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखकर ये आसानी से समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है। अगर आप कॉन्टूरा विज़न कराना चाहते हैं जो कि एक लेसिक सर्जरी है, तो आप आसानी से एम्स में जाकर इसको करा सकते हैं, लेकिन एम्स में इसे कराना इतना आसान नहीं है। और इसको कराने के लिए जब आप वहाँ पर जाएंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आप वहाँ पर जा सकते हैं। इस कैसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को देखकर वहाँ पर आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल है। आपको समय देना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि कोई भी काम वहाँ पर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसकी डेट्स भी वहाँ के क्लाइंट लोड के हिसाब से आपको मिलेगी। हो सकता है 2 महीने में आपको वो डेट मिले। हाँ, जो शुरू के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें भी आपको आफ्टर 1 वीक में 2 बार आना पड़ सकता है, एक तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाले दिन जिस दिन आप जाएंगे, जो फर्स्ट आपकी मीटिंग होगी एम्स में, फिर उसके 1 वीक लेटर ऑन आपको वहाँ फिर बुलाया जाएगा जिसमें कुछ टेस्ट आपके फिर होंगे, और उसके बाद आपकी जो फाइनल डेट होगी वो आपको वहाँ से मिलेगी। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि कॉन्टूरा विज़न एम्स में है या नहीं, तो ये भी अब क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड जो है वो एम्स का ही है। तो आई होप सो कि ये जो क्वेश्चंस थे आपके वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो टिल देन आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।